वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ आई एम वेस्टिंग माय लाइफ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे, यार लाइट चली गई है, माचिस का यू नो मेरा सबसे बड़ा फोबिया क्या है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब अंधेरा होता है तो मुझे लगता है ऐसे दीवारें जिनों मेरे करीब आना शुरू हो गए। ठीक है, वैसे डरता तो मैं और भी बहुत सी चीजों से हूँ, पर ये सारा कसूर मेरे उस कजन का है जिसने पहली दफा मेरे घर आके ये बोला था कि टिंकू कैच कैच खेलें। हाँ खेलते हैं। तू रुक, मैं ऊपर से बॉल लेके आया। ऊपर ना जाना, ऊपर जिन बाबा है। जिन बाबा? रेली जिन बाबा मतलब हमारी कौम वो पहली कौम होगी जो जिन को भी इतनी इज्जत से बुलाते हैं। जिन बाबा आ गया ना फिर वो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हर कजन की गैदरिंग में एक वो कजन लाजमी होता है जो ये कहता है, यार और ड्रोनी बातें करते हैं। अबे तू तो घर चला जाएगा, मुझे तो कमरे में अकेला सोना पड़ेगा। वैसे मेरी कजनों के साथ बचपन की यादें कुछ खासी अच्छी नहीं है। लड़की को मार दिया जिन ने? हाँ ठीक है। मैंने ये अंदाजा लगाया कि ड्रोनी फिल्म देखते हुए टीवी के बजाय टीवी के ऊपर देखा जाए उससे कम डर लगता है। वो देख चुड़ैल आई, कटा हुआ सर जिन लड़की की अंतड़ियां गा रहा है। यार टिंकू तो खड़ा है ना बाहर? हाँ बाहर ही खड़ा हूँ। गाना गा कभी कभी गाता रहे ए, मेरे दिल में। टिंकू तू कुछ बोल के नहीं रहा। हर कजनों में एक कजन वो लाजमी होता है जो पूरी फिल्म में सोया रहता है। हाँ हाँ पॉपकॉर्न लिया और शोर मत कर ही उठ जाएगा। पॉपकॉर्न? जो पहली ड्रोनी फिल्म मैंने अपनी जिंदगी की देखी थी वो जेसन की थी और मुझे ऐसा लगता था कि हर ड्रोनी चीज जेसन जैसी होगी। भाईजान भाईजान मैं आपके बीच में सो सकता हूँ? मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ सो जाओ। थैंक यू भाई। आप ठीक है? ला 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 अब तो मुझे नहीं मार सकते, मैं तो बीच में हूँ। इसको मारी साइड पे मार दे। ओ गया। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपके बेड के नीचे कुछ हो ना? टी लो पकड़ा गया। शिट यार तू फिर जीत गया। चल तू ऊपर आजा, मैं छुपता हूँ। इस दरवाजे के पीछे कोई छुपा ना हो। ओए खबीसा छुरा मार देता हूँ, मैं अस्पताल लेकर चलो। किसका मैसेज है? याद मेरा टिकटॉक तो बना दे। कमरे में आपको हर वक्त बहुत सी चीजें नजर आती हैं, लेकिन जैसी लाइट बंद होती है तो सबकी शक्लें बदल जाती हैं। बच गए। याद ये वेस्टकोट कितने का लिया है? पर कहानी के शुरू में क्या हुआ था? कारी साहब आप? बेटा मैं आज वाली पादी देना तो भूल ही गया। घर में एक पिक्चर दीवार पे ऐसी लाजमी होगी जिसको आप जब भी देखोगे तो आपको लगता है जैसे वो आपको देख रही है। अगर जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा किसी चीज से डरा हूं तो वो अपनी ही शक्ल से। ओ भाईजान फ्लैश तो चला के जा। एक दिन मैं अपनी आंटी को उनके घर ड्रॉप करने गया। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आपको घर छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। ओके जी लाफेस। कौन है? अल्लाह मियां मुझे बचा ले। क्या करूं? गाने गाता हूँ। यारो यही दोस्ती, सब संग चले सब रंग चले। आगे क्या था? चलते रहे हम सदा।
मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती है कि बेटा जब भी डर लगे ना आयतल कुर्सी पढ़ लेना। पता नहीं क्यों जब डर का वक्त आता है तो सबसे पहले आयतल कुर्सी ही भूलती है। कभी कभी तो मुझे ये भी डर लगता है कि मैं फ्लश पे बैठा हूँ और नीचे से हाथ ना आ जाए। फिर मैं सोचता हूँ मैं जिस मकसद के लिए बैठा होता हूँ वो क्यों हाथ गंदा करेगा। बाथरूम जाके सबसे मुश्किल चीज जो है वो शैम्पू करना है। रुक जाओ आंखें साफ कर ली। ये क्या चीटिंग है यार, मैं नहीं खेलता। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो, कुछ नहीं यार, एडिटिंग चल रही है। नंबर लिखवाना है, एक मिनट पेन नीचे कर गया।